हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गणगौर पर्व को लेकर धूमधाम से निकाली कलश यात्रा, अमर सुहाग, सुख और समृद्धि की कामना को लेकर मनाए जाने वाले 3 दिवसीय गणगौर पर्व की शुरुआत रानीवाड़ा में श्रद्धा के साथ हुई। महिलाओं द्वारा नगर में गणगौर की शोभा यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सुबह से ही नगर में मंदिरों में गणगौर की पूजा अर्चना करने के लिए महिलाओं की भीड़ लगी रही। वहीं महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए गणगौर माता की पूजा अर्चना की। इसमें महिला मंडल के सदस्यों द्वारा शिव स्वरूप ईश्वर और पार्वती स्वरूपा गणगौर की शोभा यात्रा निकाली गई, जो समाज के नौहरे से प्रारंभ हुई। यह यात्रा सब्जी मंडी, बस स्टैंड, मुख्य बाजार, खेल मैदान होती हुई पुराना बाजार पहुंची, जहां गौरी व ईश्वर पूजा के साथ कलश यात्रा का समापन हुआ। रंग बिरंगे परिधान से सज धज कर महिला एवं बालिकाएं सिर पर चरमर कलश यात्रा झांकती श्रद्धा चारों तरफ भक्तिपूर्ण माहौल। यह नजारा गणगौर के महोत्सव को लेकर रानीवाड़ा में माहेश्वरी समाज महिला मंडल की ओर से निकाली गई कलश यात्रा में देखने को मिला। माहेश्वरी समाज महिला मंडल की ओर से गणगौर के महोत्सव को लेकर श्रद्धा झांक पड़ी। चारों तरफ भक्तिपूर्ण माहौल हो गया था तथा अपने अपने अंदाज से भक्ति गीत व सजन गौर गौर घूमती ईश्वर पूजे पार्वती गाते हुए आगे बढ़ती रही। महिलाएं एवं बालिकाएं पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर चरमर कलश यात्रा में छा रही थी। गुरुवार को गणगौर के महोत्सव को लेकर कलश यात्रा माहेश्वरी समाज के न्याती नोहरे से शुरू कर कस्बे के इंदिरा कॉलोनी, मुख्य बाजार, रेलवे स्टेशन, पंचायत समिति रोड सहित मुख्य मार्गों से निकाली गई। गणगौर यात्रा में महिलाओं, नवविवाहिताओं सहित बालिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। महिलाएं सिर पर कलश धारण कर ढोल की थाप पर मंगल गीत गाते हुए छा रही थी। मार्गों पर माहेश्वरी समाज की ओर से विभिन्न स्थानों पर पेयजल व शीतल पेय की व्यवस्था की गई। गणगौर पर्व पर महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने एवं कन्याएं उत्तम वर की मां गवर से कामना करेंगी। कस्बे में गणगौर का पर्व सोमवार को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इसके चलते सुबह से ही महिलाएं पूजन की तैयारियों में व्यस्त रहेंगी। महिलाएं इस दिन चुनरी पहन श्रृंगार कर हाथों में मेहंदी रचा कर मां पार्वती का पूजन करेंगी। इस दौरान निराहार रहकर व्रत किया जाएगा। शाम को महिलाएं पूजा स्थल पर गणगौर को पानी पिलाने भी जाएंगी। इस दौरान महिलाओं ने पूजा कर आरती की व प्रसाद वितरण किया जाएगा। युवतियों व महिलाओं ने श्रृंगार व सज धज कर शिव पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर श्रृंगार व पूजा अर्चना कर गुणे को भोग लगाएंगी व गणगौर के गीत गाएंगी। महिलाएं गणगौर का व्रत रखकर अखंड सुहाग, सुख समृद्धि व युवतियों ने अच्छे वर की कामना करेंगी। इसी प्रकार भाई दूज से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलने वाला गणगौर महापर्व का समापन होगा। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से विद्यामंत्री माहेश्वरी की रिपोर्ट।